हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक नेचुरल रेमेडी फॉर हेयर्स, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी बहुत सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। एंड ये रेमेडी जो है आपके बालों से डैंड्रफ को हटाएगी, बालों का झड़ना कम करेगी एंड बालों की ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगी। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको वन टाइम यूज़ में ही इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये रेमेडी जो है नेचुरल कंडीशनर का भी वर्क करती है, सो ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ एंड शाइनी भी बनाती है। सो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को हमने कैसे बनाना होता है। सो इसके लिए हम ओनली 3 इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ करेंगे, लेमन, एलोवेरा एंड विटामिन ई के कैप्सूल। सो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है, विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए हैं एंड एलोवेरा एंड लेमन ले लिया है, एक लेमन लिया है मैंने यहाँ पे। सो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स है ये बहुत ज़्यादा ईजीली अवेलेबल होते हैं आपके मेडिकल स्टोर्स में हर जगह। सो आप ये ले सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में भी मिलते हैं। अगर आपके पास घर का एलोवेरा प्लांट नहीं है, ऑर्गेनिक एलोवेरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इतना एलोवेरा का प्लांट का पार्ट लिया है एंड इसमें से मुझे 3 से 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल आराम से मिल जाएगा। सो मैंने इतना ही लिया है एंड इसमें से मैंने एलोवेरा जेल निकाल लिया है एंड उसको मैंने ग्राइंडर में चला लिया ताकि कोई भी लम्प उसमें ना रहे एंड अच्छे से हमारे स्कैल्प में वो अप्लाई हो। एंड इसके बाद मैं लेमन ले रही हूँ, ये बड़े साइज़ का लेमन था तो मैं हाफ ही इसका ले रही हूँ एंड इसका जूस मैं स्क्वीज़ करके इसमें डाल रही हूँ। सो मैंने इतना लेमन का जूस इसमें स्क्वीज़ कर लिया एंड उसके बाद मैं विटामिन ई के यहाँ पे 2 कैप्सूल ले रही हूँ एंड मैं इनका ऑयल निकाल के इसमें डाल दूँगी। आपको पता ही होगा कि एलोवेरा हमारी स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो एलोवेरा जो है हमारे हेयर्स को यहाँ पे शाइन देगा, हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा एंड हमारे जो स्कैल्प के डैमेज्ड सेल्स होते हैं उनको भी रिपेयर करेगा। एंड लेमन जो है उसमें विटामिन सी एंड बी बहुत ज़्यादा होती है, सो ये जो है बालों का झड़ना जैसे डैंड्रफ एक्सेट्रा समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। एंड यहाँ पे विटामिन ई जो है वो हेल्पफुल है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में एंड प्रोवाइड करती है वो आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके ऑयल को निकाल के स्क्वीज़ कर लिया था यहाँ पे एंड इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो विटामिन ई का जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, क्योंकि ऑयल इतने जल्दी जो है वो मिक्स नहीं होता है। सो इसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन आपको दिखा देती हूँ। सो आपको इसी तरह से इसको पूरे स्कैल्प में आपको अप्लाई करना है अपनी। जब आप इसको लगाओगे तो आप देखोगे कि इसमें से थोड़ा झाग जैसा निकल रहा है, जैसा शैम्पू से निकलता है नॉर्मली हमारे। एंड इसको आपको कम से कम बालों को धोने के आधा घंटा पहले आपको अप्लाई करना है, या तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। एंड कम से कम लगाने के आधा घंटा बाद अपने बालों को धोइए, या तो फिर आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई